हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज़ शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। शाहिद कपूर की आजकल क्यों बहकी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, राज खोलेंगे हम। समीरा रेड्डी क्यों नहीं करना चाहती किसी बॉलीवुड स्टार से शादी, रिवील करेंगे आज। करीना कपूर को किसने दिलवाई मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन, खुलासा करेंगे हम। कंगना रनौत क्यों कह रही है खुद को सीक्वल क्वीन, दिखाएंगे आपको। और दिखाएंगे जूम में सेक्सी टीचर बनकर आई देसी गर्ल चित्रंगदा सिंह ने किसकी ली क्लास। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं शाहिद कपूर से। शाहिद आजकल कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। बिखरे बिखरे बाल, बढ़ी हुई सी दाढ़ी में शाहिद किसी देवदास से कम नहीं लग रहे हैं। शाहिद का हाल क्यों हुआ है बेहाल, आप भी देखिए। दोबारा डॉन बने किंग खान के स्टाइल को मैच करने वालों में शाहिद का नाम ही सबसे पहले आता है। हमें भी यही लगा कि किंग खान को एडमायर करते करते ही साशा ने बना लिया होगा अपना ये हाल, लेकिन थोड़ा जूम इन करने पर पता चला कि मामला तो कुछ और ही है। जी हाँ, किंग खान नहीं डॉन 2 में SRK की हीरोइन प्रियंका हैं इसकी वजह। डॉन की हीरोइन के साथ चल रही लव स्टोरी ही शाहिद को इस देवदास अवतार में ले आई है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रियल लाइफ में कई बार डीरेल हो चुकी इन दोनों स्टार्स की प्यार की गाड़ी रियल लाइफ में एक बार फिर स्पीड पकड़ने वाली है। और जब हमने इस फिल्म में दोनों के ऑन स्क्रीन लव की रफ्तार की बात शाहिद से पूछी तो शाहिद ने खुद ही प्रियंका को लेकर कमीने में फील किया हुआ अपना मलाल कन्फेस कर लिया। आई होप एक कदम आगे हो, बिकॉज़ कमीने के अंदर वी हैड ओनली 8 सीन्स टुगेदर, तो बहुत कम काम था हमारे साथ में। क्या कहा शाहिद, काम कम था, सिर्फ 8 सीन्स थे कमीने में आपके प्रियंका के साथ। लगता है काफी अफसोस है साशा को पिगी चॉप्स के साथ ज्यादा स्क्रीन स्पेस ना शेयर कर पाने का। People really seem to like what we've done and I think बहुत ही अच्छी कलाकार हैं and it's a love story, हमारे लिए opportunity है to work together and it's a very interesting story. हाँ, this is an opportunity to work together again. और इस love story में वो कर पाएं जो पिछली बार पिछली love story में नहीं कर पाए। वाह साशा, public interest का कैसा शानदार पासा फेंका है आपने कि आपने प्रियंका के साथ कमीने में कम काम कर पाने का मलाल भी जाहिर कर दिया और प्रियंका के साथ फिर से ऑन स्क्रीन पेयरिंग की अपनी हसरत को भी पब्लिक की पसंद का नाम दे दिया। वाह भाई वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी। चलिए अब जब कुणाल की इस फिल्म में आपकी प्रियंका के साथ 8 से ज्यादा सीन्स करने की ये अधूरी डिजायर पूरी होने जा रही है तो कम से कम मुस्कुरा तो दीजिए, साथ ही ये भी बता देते कि बॉलीवुड में किस एक्ट्रेस की स्माइल आपको लगती है सबसे फ्रेश, तो लोग थोड़ी और आसानी से समझ पाते प्रियंका को लेकर आपकी फीलिंग्स को। इन बॉलीवुड आई थिंक देयर सो मेनी पीपल हु हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, ऑल आवर हीरोइंस हैव वंडरफुल स्माइल्स। Genelia, I just met Genelia and she has one of the nicest, freshest smiles that any girl has. Yep. भाई शाहिद आप तो बड़े वो निकले, प्रियंका के साथ काम करने की बात पर उछल रहे हैं पर तारीफ कर दी किसी और ही एक्ट्रेस की स्माइल की। लगता है आप हो गए हैं बड़े ही कमिटमेंट फोबिक, सही कहा ना? That I'm commitment phobic? No, I don't think I'm commitment phobic. Bureau Report, Zoom, Mumbai. फिल्म देसी बॉयज में चित्रंगदा भले ही देसी गर्ल बनी हो लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं चित्रंगदा का टीचर अवतार। चित्रंगदा सेक्सी एंड हॉट टीचर बनकर पहुंची जूम के ऑफिस में, कैसी थी उनकी ये क्लास, चलिए आपको भी दिखाते हैं। I just got the news, Bollywood's hottest teacher is going to be in Zoom right now. Oh my god. I think she's Chitrangada. No, this is Tanya Sharma. And I will be teaching you biology, literature, economics and political science today. Great, so let's just all... Yeah, do you want to take a seat? Absolutely. Yes. Good morning, teacher. I was a bit confused. I mean, I have a lot of problems in political science, especially, okay. You know.
We want to know political science of Bollywood, since we've all studied Bollywood for quite some time. Right. Who's the real Desi boy? The real Desi boy? Actually, I think you have a little bit of a problem there. I think it is the Desi boys. So yeah, that's your lesson number one. It is not Desi boy, it's Desi boys, and that's Mr. Akshay Kumar and John Ibrahim. Okay. I'm sure you can remember two names, right? Yeah, but why are they the Desi boys? Why can't anybody else be the Desi boys? Well, they've officially been called the Desi boys because they've obviously done the film now, and I think they absolutely qualify. They are the hot Desi boys. Teacher, hum aapko khan actors ke saath kab dekh payenge? अभी उस पर काफ़ी एक्सटेंसिव काम चल रहा है और अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है. सो एज सून एज समथिंग कम्स आउट ऑफ इट, आई एम श्योर दिस क्लास विल बी द फर्स्ट टू नो. अज्यूम कर लीजिए जैसे आपके सामने ऑफर्स आ गए शाहरुख, सलमान, आमिर, तो आप किसको चूज करोगे? आई डोंट माइंड यू नो a star cast which has a lot of men, as long as I'm the only one in it. So I think we'll try and like sign up everyone. Yeah. टीचर, जब भी हम बॉलीवुड का पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होती है, हमें समझ में ही नहीं आता है कौन सा एक्टर कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में तो कैंप वॉर चलती है. तो आई मीन, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर है ऐसा तो आप कौन से कैंप में जाएंगे? वेल, आप बहुत ही ज़्यादा टेढ़े क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी. वेल, कैंप्स आई थिंक धीरे धीरे बनते हैं, तो मैं अभी अपना कैंप बनाने में काफ़ी बिजी हूँ. सो होपफुली मेरा अपना कैंप होगा और मुझे किसी और कैंप में यू नो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बॉलीवुड में आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान, इसमें से अगर अकाउंट की बात आती है तो आप किसका अकाउंट हैंडल करना चाहेंगे और क्यों? वेल, एट द मोमेंट आई थिंक सलमान का. आखिर सलमान का ही क्यों? उनकी कुछ पास्ट में फिल्में जितनी भी उन्होंने करी हैं एक के बाद एक सारी हिट हैं, तो शायद उनके पास अभी CA का जो मतलब अकाउंटेंट की ज़रूरत शायद ज़्यादा पड़ रही होगी, तो मैं वॉलंटियर करके उनकी हेल्प करूँगी. रियली, आप कितना इकोनॉमिकली आप कितना चार्ज करेंगे उनके उनका अकाउंट हैंडल करने के लिए? एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आई थिंक ही रियली नीड्स हेल्प राइट नाउ, यू नो दिस इज टू मच टू हैंडल. आई थिंक या आई विल हेल्प हिम आउट. व्हाट विल यू चार्ज मोर फॉर, एन आइटम नंबर और अ फिल्म? ऑन दैट क्वेश्चन आई थिंक आई विल आस्क यू टू लीव द क्लास लाइक राइट नाउ. We go to Lawalji now. It's like a very known and famous chapter in Bollywood, and like a difficult study for the reporters to study actually. Yeah. Yeah. So which of this couple should get back? Jawan Bipasha, Salman Katrina, Ranbir Deepika? I mean, according to you, if you are a reporter and you like try to change a job for a day? ये बहुत ही मुश्किल question है actually. Honestly. One couple that you would like to be like, you as a fan want to see them together? I as a fan want to see them together. I think all of them should get back together. Because kahin na kahin, I'm sure there is some thing that really worked at some point. And you know, it's kind of sad. It makes bad headlines. Ye breakup ho gaya, wo breakup ho gaya. So I think a better headline would be that they're back together. So I think they should all get back together. इतने सारे रूमर्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं. बिपाशा से ब्रेकअप करने के बाद अभी कहा जा रहा है कि जॉन की ज़िंदगी में कोई नई लड़की है, कोई रियली स्पेशल वुमन है. क्या आप मिली हैं उनसे? पता है आपको कुछ, हमें बता दीजिए ज़रा. हमें तो सच में कुछ नहीं पता. आप उन्हें मिलना चाहेंगे? बिल्कुल, आप ही मिलना चाहेंगे. वेल, एक्चुअली अगर मिला देंगे तो मिल लेंगे, लेकिन आई हैव नो आइडिया. मैं जॉन से मिली हूँ, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसके क्लोज हैं या नहीं, एक्चुअली आई हैवंट मेट. अगर आप मिले तो मुझे ज़रूर मिलाना. टीचर, कमिंग बैक टू लवोलॉजी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं होते तो आप किसको डेट करते? रणबीर सिंह, नील नितिन मुकेश या जॉन इब्राहिम? आई थिंक टीचर और स्टूडेंट का जो एक रिलेशनशिप होता है वो हमें मेंटेन करना चाहिए. Oh God, you guys are like really killing me. Okay, so it was Ranbir Singh, Nitin Mukesh or John Ibrahim? Or John. See, John's got somebody special in his life, right? so that's out. Okay, who do we have then? Ranbir. Okay, Ranbir is kind of looking very in the dark zone right now, so we forget that. Ranbir is kind of all over town. I think that'll be nice, yeah. He's already ladies versus Ricky Behel, right? Yes. So I think, yeah, let's just give him a tough competition.
Yeah, we'll give him competition. It's versus, right? I think you guys, I don't want to teach you anymore. Oh. This is it. We are gone. I mean, let's go. जेनेलिया डिसूजा ने फाइनली अपनी शादी की खबर कर दी कंफर्म। उन्होंने पहली बार कैमरा पर एक्सेप्ट किया कि यस शी इज गोइंग टू गेट मैरिड। क्या कहा जेनेलिया ने अपनी और रितेश की मैरिज को लेकर आप भी सुनिए। Yeah, we are getting married and it will happen sometime next. Thank God, finally जेनेलिया ने एक्सेप्ट किया that she is going to get married. रितेश जेनेलिया की शादी की खबर आने के बाद रितेश जहां हर जगह अपनी शादी की न्यूज को कंफर्म करते दिखे, वहीं जेनेलिया हमेशा इस सवाल से बचती दिखी। लेकिन ये पहली बार है जब जेनेलिया ने मान लिया है कि वो अगले साल शादी कर रही हैं रितेश के साथ। लेकिन आखिर जेनेलिया अपनी लाइफ की सबसे बड़ी न्यूज पर अभी तक क्यों चुप थी, इसकी वजह भी सुन लीजिए। जेनेलिया आजकल जहां जाती हैं उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है और वो है उनकी शादी का। लेकिन जेनेलिया है कि जवाब देने में हर बार कंजूसी कर जाती हैं। आप खुद सुनिए अपनी शादी के सवाल पर हर बार क्या कहकर निकल जाती थी जेनेलिया। I'll speak about it when the time is right. I'm definitely going to talk about it, but not today. अब जब जेनेलिया ने अपना मुंह खोल ही दिया है तो हमने शादी की तैयारियों के बारे में भी पूछ लिया। Well, nothing started. We'll let you know as and when it starts. ये क्या जेनेलिया, फिर शुरू हो गई ना आपकी नाना। लगता है शादी की बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए अभी हमें और वेट करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। हीरोइन से ऐश्वर्या के बाहर होने के बाद ये फिल्म मिल गई करीना को, लेकिन वो कौन था जिसकी वजह से करीना के हाथ लगी ये बड़ी फिल्म। Well, हमें पता चल गया है उस शख्स का नाम जो बना ब्रिज बिटवीन करीना एंड मधुर। चलिए आपको भी बताते हैं आखिर कौन है वो। एक वक्त पर मधुर भंडारकर ने किया था ये दावा। मैंने कभी भी स्क्रिप्ट में चेंजिंग मैं किसी के लिए नहीं करता हूँ, मैं हमेशा सिनेमा मेरे हिसाब से सरमता। एक वक्त था जब करीना कपूर ने हीरोइन इसीलिए लटका कर रखी थी क्योंकि उन्हें मधुर की इस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पसंद थी। No, I mean there is actually no reason. There were no dates for me to do accommodate this film because of the films I'm doing. I've always said that I'd love to work with Madhur. I mean it's like I think he's an amazing director. I think Page 3 and Fashion was spectacular. But at this particular time and this particular what the script that he wants to make is something that I'm not looking at doing. But I want to work with him. लेकिन फिर करीना मधुर के साथ जुड़ी, फिर स्क्रिप्ट्स में चेंजेस भी हुए और अब सामने आया है वो शख्स जिसने मधुर को मजबूर किया था फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंज करने के लिए, और ये शख्स है अर्जुन रामपाल। मधुर की फिल्म के लीड एक्टर ने करवाए हीरोइन की स्क्रिप्ट में चेंजेस। एक आर्टिकल में अर्जुन ने इसे कबूल किया है। आई डिड मेक सम सजेशंस व्हिच आई थॉट वर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म, दे वर काइंड इनफ टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस। करीना के बाद अर्जुन भी हीरोइन की स्क्रिप्ट को चेंज करके ही माने। क्या ये वही चेंजेस थे जो करीना चाहती थी? इस पर जब हमने मधुर से बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब न आया। हाँ, मगर इस फिल्म से जुड़ी एक और खबर हमारे हाथ लगी है, वो ये कि मधुर अपनी फिल्म को अब्रॉड नहीं ले जा पाएंगे। हीरोइन की शूटिंग आउट ऑफ इंडिया नहीं हो पाएगी। दरअसल मधुर पर ये रोक मुंबई की कोर्ट ने लगाया है। मधुर इस वक्त फिर परेशानी में है क्योंकि सुनने में आया है कि जहां प्रोड्यूसर्स फिल्म को आउटडोर ले जाना चाहते हैं, वहीं मधुर के कानूनी झमेलों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। खैर, उम्मीद है चेंज फॉर बेटरमेंट वाली कोई स्ट्रेटेजी मधुर यहां भी अप्लाई कर देंगे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कंगना रनौत ने क्या रखा अपना नया निकनेम। आजकल खुद को नए नाम से बुलाती हैं। वो खुद को सीक्वल क्वीन कहती हैं। कंगना ने खुद को क्यों दिया ये नया निकनेम? Well, find out in our next story.
एक और जहां बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस को इस बात का मलाल रहता है कि उन्हें सीक्वल्स में साइन नहीं किया जाता है, वहीं कंगना रनौत है जो सीक्वल्स की क्वीन बनती जा रही हैं। सुनने में आया है कि कंगना रनौत इज बोस्टिंग अबाउट द फैक्ट दैट हर सीक्वल उनके पास आ रहा है, चाहे वो इश्किया 2 हो, तनु वेड्स मनु 2 हो या फिर क्रिश 2। कंगना के मुताबिक इन दिनों उनके पास सीक्वल्स की भरमार है। अब ऐसा कहकर कंगना कहीं इस बात की तरफ तो इशारा नहीं कर रही है कि जहां टॉप एक्ट्रेसेस को सीक्वल्स में काम करने का चांस नहीं मिल रहा है, वहीं कंगना बाजी मार रही है। आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी की शादी एक बार फिर फंसती दिख रही है। खबर है कि आदित्य का उनकी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स का मैटर अभी तक पूरी तरह सेटल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रानी भी है काफी अपसेट। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की शादी में अटकलें आ सकती हैं और इसकी वजह बन गई है आदित्य चोपड़ा की एक्स वाइफ पायल। जी हाँ, खबरों की माने तो उनकी हाई एलिमनी डिमांड्स के कारण आदित्य इन दिनों काफी परेशान हैं और इसलिए वो अपनी और रानी की शादी भी डिले करना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि आदित्य और उनकी वाइफ पायल के बीच डिवोर्स की खबरें 2009 में आई थी, जब ये दोनों सेपरेट हो गए थे, बट अब तक ऑफिशियली इस पर कोई कंक्लूजन नहीं आया है। और अब ये न्यूज आ गई है दैट हिज वाइफ इज डिमांडिंग अ लॉट। इस न्यूज से रानी भी काफी खफा हैं और सुनने में ये भी आया है कि शी इज ट्राइंग टू अवॉइड साइनिंग YRF बैनर फिल्म्स और इस सब इशू को वो एक ब्रेक देना चाहती हैं और अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं। वेल इतना ही नहीं, आदित्य की फैमिली भी रानी की क्लोजनेस को इतना पसंद नहीं करती है। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ YRF इंटरनेशनल फॉर हॉलीवुड को प्रोडक्शंस, आदित्य काफी कीन थे कि रानी को वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दें। बट इस बात से यशराज और पैमेला जी को एतराज था। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद अब रानी और आदित्य की शादी एक हॉट पर आ गई है। अब देखना यही होगा कि इन दोनों की जोड़ी रब बनाते हैं या नहीं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे नील नितिन मुकेश क्यों बनना चाहते हैं भूत। स्टे विद अस। नील नितिन मुकेश रोमांटिक हीरो बनकर रोमांस करने की बजाय भूत बनकर लोगों को डराना चाहते हैं। अजीब लगाना सुनकर, लेकिन नील की ख्वाहिश कुछ ऐसी ही है। नील क्यों बनना चाहते हैं घोस्ट? वेल, चलिए उन्हीं से सुन लेते हैं। नील नितिन मुकेश का फिल्मी करियर अभी भी वेट कर रहा है एक बड़ी हिट का, लेकिन नील नहीं करना चाहते हैं रोमांटिक और एक्शन फिल्म्स। अब वो बोर हो गए हैं पर्दे पर एक ही तरह की फिल्म्स करके। नील अब लोगों को डराना चाहते हैं या फिर खुद डरना चाहते हैं। नील की ख्वाहिश है हॉरर फिल्म करने की। अगर मौका मिले तो मैं जरूर एक दिन एक अच्छी हॉरर फिल्म करूंगा। Well, तो क्या नील राम गोपाल वर्मा, जो सबसे ज्यादा हॉरर फिल्म्स बनाते हैं, उनके साथ अपने इस हॉरर फिल्म के ड्रीम को पूरा करेंगे? जी नहीं, यहाँ भी उनकी खास चॉइस है। जी, एक ही डायरेक्टर है जो फिलहाल अभी बनाता है, वो है विक्रम भट्ट। मैं अगर विक्रम के पास जाऊँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि अगर उन्हें सही लगे तो बेशक मैं उनके साथ काम करना जरूर चाहूंगा। सुना आपने, नील को उनका मनपसंद सब्जेक्ट चाहिए और मनपसंद डायरेक्टर भी। वेल, ये तो हुई हॉरर फिल्म की बात, लेकिन इसके अलावा नील को कैसी फिल्म्स करना पसंद है, चलिए ये भी जान लेते हैं नील से। अच्छी एक क्लासिक हॉरर फिल्म हो, जैसे ओमन बनी हुई थी या एग्जॉर्सिस्ट बनी है। फिलहाल नील अपनी फिल्म प्लेयर्स के प्रमोशन में बिजी हैं, लेकिन वी जस्ट होप कि इस फिल्म के बाद उन्हें उनके मुताबिक फिल्म्स ऑफर हो। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। क्लीन एंड क्लियर चेन्नई टाइम्स फ्रेश फेस का हाल ही में हुआ रीजनल फिनाले। आइए देखिए इस स्टोरी की अपडेट। हाल ही में क्लीन एंड क्लियर चेन्नई टाइम्स फ्रेश फेस का हुआ फिनाले, जहां बड़े बड़े कॉलेजेस से कई सारे स्टूडेंट्स ने किया पार्टिसिपेट। क्लीन एंड क्लियर चेन्नई टाइम्स फ्रेश फेस को जज करने आए काफी फेमस पर्सनालिटीज। इस रीजनल फिनाले के विनर्स भी थे काफी एक्साइटेड। लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस इवेंट। फील्स ऑसम, सुपर्ब। आई मीन, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज़ द कंपटीशन वाज लाइक रियली हाई, बट देन आई एम रियली हैप्पी नाउ। इट्स बीन इंटेंसिव द पास्ट फ्यू वीक्स, सो आफ्टर दैट इमर्जिंग एज द फर्स्ट रनर अप फील्स रियली गुड।
As the faces of Clean and Clear, fresh faces Nana and Ashrita have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear Times Fresh Face. Clean and Clear and Fresh Face have enabled young girls to be confident and vibrant. Discover new possibilities with confidence with Clean and Clear. Is regional finale se chune gaye contestants who will win the grand finale will not just receive the Clean and Clear Chennai Times Fresh Face title, but will also get a chance to star in the next Clean and Clear TV campaign. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoop. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.